गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे आज वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन Vivo V30 वी के अंदर डायनामिक आइलैंड को दोस्तों लगा सकते हैं सेट कर सकते हैं दोस्तों बाय डिफॉल्ट स्मार्टफोन के अंदर दोस्तों डायनामिक आइलैंड का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों कोई फीचर यहाँ पर एड नहीं किया बट दोस्तों हम एप्लीकेशन के जरिए फुली दोस्तों जैसे डायनामिक आइलैंड वर्क करता है सेम वैसे ही दोस्तों बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा वैसे ही हम उसको लगा सकते हैं बस थोड़ी सी कस्टमाइजेशन आपको करनी है आप दोस्तों आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा वो शो होगा चार्जिंग पर लगाएंगे तब शो होगा दोस्तों उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर कॉन्टेंट क्या लिखा हुआ है वो दोस्तों शो होगा म्यूजिक पर आप प्ले करते हैं मीन्स के दोस्तों फुली दोस्तों जैसा कि डायनामिक आईलैंड होता है बाकी जो डिवाइस है टेक्नो में इंफिनिक्स में दोस्तों आईफोन्स के अंदर इसी तरह से दोस्तों सेम वर्क करने वाला है शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले दोस्तों आपने करना क्या है आपने एक एप्लीकेशन दोस्तों इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर में आपने आ जाना है इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है डायनमिक आईलैंड दोस्तों इस पर आपने क्लिक ये आपने लिखना है ये जो एप्लीकेशन है डायनामिक आइलैंड ग्रीस मोबाइल इसको दोस्तों आपने इंस्टॉल करना है बहुत सी एप्लीकेशन और भी आपके पास आएंगी बट आपने यही इंस्टॉल करना है वन मिलियन से ज़्यादा डाउनलोडेड है फोर की रेटिंग है और छोटा सा दोस्तों इसका साइज है फाइव फाइव पॉइंट थ्री दोस्तों फाइव पॉइंट थ्री एम बी की है ये एप्लीकेशन जस्ट आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है इसके बाद मैं ओपन कर देता हूं अगर कोई ऐड वगैरह दोस्तों इसके दौरान आएगी तो मैं या तो ब्लर कर दूंगा या फिर दोस्तों मैं उसको कट कर दूंगा इस तरह से इंटरफेस आपके पास आएगा ओके पर मैं क्लिक कर देता हूं इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है इसको ऑन कर लीजिए ओके पर आपने क्लिक करना है इसको आपने परमिशन दे देनी है देखिए दोस्तों कहाँ पर है डायनामिक आइलैंड फर्स्ट ऑप्शन को अनेबल करना है सेकंड वाले को आपने अनएबल नहीं करना है अब बढ़ते हैं कस्टमाइजेशन की तरफ सबसे पहले तो नोटिफिकेशन के लिए आपने दोस्तों इसको टर्न ऑन कर देना है तो नोटिफिकेशन जब भी आए तो यह आपके पास वर्क करे अलाउ में कर देता हूं इसके बाद दोस्तों अगर किसी नोटिफिकेशन के लिए ब्लॉक करना है ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप उस एप्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं ओके तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद इसकी कस्टमाइजेशन को आपको अच्छे से समझना है आपको इसको यहाँ पर आपको यहां सेट कर लेना है यहां पर आप देखिए मैं आपको दोस्तों दिखा देता हूं इसकी जो विड्थ है और हाइट है उसको आपको सेट करना है अलाउ मूव पे क्लिक करके इसको हाथ से भी दोस्तों आप सेट कर सकते हैं आप यहां पर देते हैं इसको आप यहां पर उसको इजीली सेट कर सकते हैं मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी हूं शायद मुझसे हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए इसको सेट करते है लेकिन आपने टाइम लेके ईजी होकर इसको सेट करना है इसके बाद मैं चाहता हूं कि इतना ही मुझे अच्छा लग रहा है आप कम ज़्यादा रख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक तो इसको आपने अलाव मूव को अब आपने ऑफ कर देना है अब इसका कोई वर्क नहीं है रखना चाहते हैं और तो रख लीजिए लेकिन दोस्तों बेटर है इसको ऑफ कर दीजिए डिस्प्ले मूड के जब ये आपके पास नोटिफिकेशन आए तब शो हो या ऑलवेज शो हर वक्त अब दोस्तों ये शो नहीं हो रहा है लेकिन कोई नोटिफिकेशन आएगा तो शो होने लग जाएगा आप ये भी सेट कर सकते हैं तो रिकमेंडेड है दोस्तों शो वैन हैविंग नोटिफिकेशन ये ऑलवेज शो हर वक्त ऐसे ही डिस्प्ले पर शो होगा स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं तब भी नहीं कर रहे तो भी दोस्तों आपको ऐसे ही शो होगा तो ये भी आप सेट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर अब दोस्तों यहाँ पर इसके बाद आपको कोई सेटिंग नहीं करनी बस आप कस्टमाइजेशन कंप्लीट होगी और कभी आपका दिल चाहता है कि इसको हम मुझे यूज़ नहीं करना तो सिंपली यहाँ से टर्न ऑफ आप कर सकते हैं और एक बार मैं इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ क्या ये हमारे पास वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा मैं आपको दोस्तों शो करवा देता हूँ स्मार्टफोन को हम लगाएंगे चार्जिंग पर तो अब ये से हंड्रेड है इसी तरह से आपके पास चार्जिंग जा, पर आपको बताया आपके स्मार्टफोन ने आपका स्मार्टफोन नोटिफिकेशन वगैरह आता है व्हाट्सअप आता है तो वो भी आपको पास इसी तरह से डायनामिक आइलैंड के अंदर शो होगा और इसमें कंटेंट क्या लिखा हुआ है वो भी दोस्तों आपके पास शो होगा म्यूजिक वगैरह दोस्तों आप प्ले कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं तो सिंपली से दोस्तों दो से तीन स्टेप की कस्टमाइजेशन है वो आपने कर लेनी है और आप फुली दोस्तों जैसे कि आईफोन के अंदर होता है डायनेमिक आईलैंड को अपने वीवो वी थर्टी के अंदर यूज़ कर सकते हैं तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर तो जो वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए थैंक्स फॉर वॉचिंग